एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में उस कॉल में सारे लड़के लड़कियां समर वेकेशन के बारे में बात कर रहे थे और हमारी यूसी के बहुत ज़्यादा खुश होती है और चिल्लाकर कहती कि समर वेकेशन टाइम, मैं समर वेकेशन के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकती। अकुन, तुम भी इंतजार नहीं कर सकते है ना? लेकिन अकुन कहते कि मैं तो कर सकता हूँ। यूसी को कहते कि हमें समर वेकेशन में आखिर करना क्या चाहिए। अकुन कहते कि पूरे दिन पर बैठकर पढ़ाई। यूसी को अकुन के हाथ में मारते हुए कहते कि मजाक मत करो यार, और अकुन के मुंह पे मार देता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यूसी को खर अकुन के बिल्कुल बगल में होता है। यूसी को एक जंप मारकर उनके घर में चले जाती है और चिल्लाकर कहते कि ये रही मेरी प्यारी गुड मॉर्निंग किस। रूरी कमरे से बाहर आती है और कहते कि यहाँ पर शोर मत करो। यूसी को खुश होते हुए कहते कि परफेक्ट टाइमिंग रूरी, चलो समर वेकेशन पर एनिमे मूवी देखने के लिए चलते हैं, मेरे पास पूरी 3 टिकट से। रूरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते कि एनिमे मूवी, लेकिन बीच में अकुन बोलता है और कहते कि एनिमे रूरी बिल्कुल भी नहीं देखती, और रूरी रोने लगती है और कहते कि मुझे एनिमे नहीं पसंद। अकुन चिल्लाकर कहते कि ठीक है, हम तीनों जाएंगे एनिमे मूवी देखने के लिए। नेक्स्ट दिन वो सब लोग थिएटर में होते हैं। अकुन कहते कि यूसी को मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, शोर बिल्कुल भी मत करना। फिर मूवी स्टार्ट हो जाती है। हमारी मेन फीमेल कल अपने एनिमे से फाइट कर रही थी। यूसी को चिल्लाकर कहते कि तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अकुन उसके सर पे दम आता है और टैप से यूसी को का मुंह बंद कर देता है। अकुन सोचने लगता है कि एनिमे मूवी अच्छी है और यूसी को दोबारा से मस्ती करने लगती है। अकुन उसके हाथ पैर सब कुछ बांध देता है, लेकिन दोबारा से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अकुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते कि यूसी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन रोने वाली रूरी थी और बेचारी रूरी के आंसू निकलने वाले थे, लेकिन जल्दी से अकुन माफी मांग लेता है। यूसी को अपना पूरा दम लगाकर सारी पट्टियां खोल देती है और मूवी की मेन फीमेल कल हारने लगती है। रूरी रोने लगती है और कहते कि हमारी मेन कैरेक्टर हारने लगी है, और पीछे एक जो लड़की होती है वो कहते कि ये लड़की ठीक तो है ना। अकुन कहते कि वो बिल्कुल ठीक है, और रूरी कहते कि देखो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, हमारी मेन फीमेल कल हारने वाली है। यूसी को और रूरी बुरी तरह रोने लगती है और अकुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। अकुन रूरी के सर पे मारता है और उसे बेहोश कर देता है, और योशिको के मुंह पे तो एक जोरदार पंच ही मार देता है। अकुन उन दोनों को ले जाते हुए कहते हैं कि परेशानी के लिए माफ करना, और जब रूरी को होश आता है रूरी कहते हैं कि मैं तो मूवी देख रही थी, मैं घर पर क्या कर रही हूँ। अकुन आकर कहते हैं कि तुम्हें शायद सपना आया होगा, तुमने तो अपना होमवर्क भी कम्प्लीट कर दिया। रूरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और जब योशिको को होश आता है योशिको कहते कि मैं तो मूवी देख रही थी, मैं घर पर क्या कर रही हूँ, शायद मेरे पास टेलीपोर्टेशन की पावर आ चुकी है। उसके बाद योशिको और साइको अकुन के पास जाते हैं। योशिको कहते कि चलो बीच पर चलते हैं, मेरे पास टिकट से बिल्कुल फ्री 2 दिन और 1 रात की ट्रिप। और हमारी प्रेसिडेंट सुन लेती है ये बात। प्रेसिडेंट कहते कि एक हाई स्कूल बॉय और 2 लड़कियां बीच पर बिल्कुल अकेले, डिसिप्लिनरी कमेटी की प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे तुम लोगों के साथ चलना पड़ेगा, और मैं ये देखूंगी कि तुम लोग कुछ गलत ना कर दो। योशिको कहते कि ठीक है, तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। और पीछे से गुरोसाकी भी आ जाता है और कहते कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, और योशिको कहते कि ठीक है तुम भी आ सकते हो। और अकुन कहते कि तुम दोनों यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो, और कुरोसाकी कहते कि मैं तुम्हारे साथ बीच पर चलना चाहता हूँ। हमारी प्रेसिडेंट बहाना बनाते हुए कहते कि मैं तो बस नजर रखने के लिए आ रही हूँ कि तुम इंसानियत के खिलाफ कुछ गलत ना कर दो, इसलिए 3 घंटे से मैं लगातार तुम पर नजर रखी हुई थी। योशिको कहते कि चलो जल्दी से स्विमिंग सूट की दुकान पर चलते हैं स्विमिंग सूट खरीदने के लिए। और नेक्स्ट दिन सब लोग वो दुकान पर होते हैं। योशिको कहते हैं कि अकुन ये वाला कैसा है, और प्रेसिडेंट सामने आते हुए कहते कि मेरा वाला भी देखो और बताओ ये कैसा है। कुरोसाकी कहते कि मैं एक जैसे स्विमिंग सूट लेने चाहिए। अकुन कहते कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बीच पर नहीं आने वाला। और ये बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट कहते कि तुम नहीं तो मैं क्यों। अकुन कहते कि तुम इस खोचे पर नजर रख सकती हो। साइको कहते कि तुम सचमुच नहीं हरे, हम सभी को एक साथ चलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अकुन कहते कि लेकिन ये दोनों अजीब है, और साइको कहते कि मानती हूँ ये दोनों थोड़े से अजीब है, लेकिन अजीब तुम भी हो, तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो और दोस्त बनाने की बिल्कुल भी नहीं कोशिश करते, परिंदे एक साथ ही पंख फैलाते हैं। अकुन चिल्लाकर कहते कि तुम भी अजीब हो, और साइको कहते कि तुम हमारी दोस्ती तोड़ रहे हो, क्या तुम बस योशिको के साथ ही रहना चाहते हो, हमारी दोस्ती टूट गई। अकुन कहते कि ठीक है इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं साथ में चलूंगा बीच पर। और ये बात सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब लोग साइको की तारीफ करने लगते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट बिल्कुल तैयार हो जाती है बीच पर जाने के लिए। प्रेसिडेंट सोच लगते हैं कि उनके साथ बीच पर, और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है, जहाँ पर अकुन और प्रेसिडेंट एक साथ होते हैं। अकुन उसके पास आता है और कहती कि मुझे किस करने दो, और ये सब कुछ सोचने के बाद प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। और तभी उसके पीछे से योशिको की मॉम आ जाती है और कहते कि तुम तो बड़ी खुश लग रही हो। प्रेसिडेंट कहते हैं आखिर तुम हो कौन, और योशिको कहते कि ये मेरी मॉम है। और योशिको के मॉम कहते कि योशिको ने बताया कि तुम भी बीच पर आ रही हो, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, और तुम्हारे अंदर से अजीब सी प्यार वाली फीलिंग आ रही है अकुन के लिए। योशिको को मॉम प्रेसिडेंट के बैग को देखने लगती है, और ब्राको निकल कर कहते कि तुम बीच पर नहीं जा रही, और साथ ही ब्रा के ऊपर निपलेस बना देती है और कहते कि तुम ऐसे स्विमिंग सूट के साथ बीच पर कैसे जाओगी। और योशिको भी बिल्कुल ऐसा ही बना देती है और कहते कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने भी बना दिया। प्रेसिडेंट कहते कि मैं ब्रा के ऊपर शर्ट पहन लूंगी,
जाऊंगी, लेकिन किसी भी हालत में मैं बीच पर जाकर रहूंगी। और योशिको की मैम कहती कि ठीक है, मैं इसे कैची से कट कर दूंगी, और कट कर पाती। इससे पहले कुरोसाकी उसे पकड़ लेता है और कहते कि किसी बुड्ढी को मैं अपने बीच की ट्रिप को नहीं बर्बाद करने दूंगा। योशिको की मॉम कहती कि आखिर तुमने बुड्ढी किसे कहा, और साथ ही कुरोसाकी को उठाकर प्रेसिडेंट के ऊपर फेंक देती है और डरावने लुक के साथ कहते कि तुम्हारे जैसे कई लोगों को मैंने देखा है। योशिको की मॉम ब्रा को कट करने वाली होती है, पीछे से अकुनाको उसे पकड़ लेता है और कहते कि तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रही हो, एक 40 साल की बुड्ढी को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। योशिको की मॉम माफी मांगने लगती है और अकुन पर अटैक कर देती है। वैसे कैसे मैं बताना भूल गया, उसने ब्रा से अटैक किया था। योशिको की मॉम जाने से पहले कहते कि इस कुतिया को मैं देख लूंगी, ये सब कुछ यहाँ पर नहीं खत्म हुआ। और वहीं पर साइको छुपी होती है। साइको सोचने लगती है कि क्या मुझे बाहर आ जाना चाहिए। तो गाइस यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है।